पटना में जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठ गई है। ये मांग उनके बिहार के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए की जा रही है। इस बैठक में पार्टी के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होने वाली है, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति और बिहार के विकास के लिए आवश्यक कदम शामिल है। नीतीश कुमार ने बिहार में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। उनकी सरकार ने विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिसमें उनके रहन सहन में सुधार हुआ। इसके बाद उन्होंने राज्य को विशेष अधिकार देने की मांग भी उठाई है, जो बिहार के विकास में मदद कर सकता है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उठाई है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास और सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष किया है, उसके बाद वो इस सम्मान के अधिकार है। ये मांग बैठक से पहले उठाई गई, जिससे पार्टी के अंदर उनकी पसंद और साथ को दिखाया जा सके। बैठक को एक महत्वपूर्ण कारण आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार करना भी है। जेडीयू ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूरी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने तय किया है कि वे नीतीश कुमार के होते हुए भी चुनाव लड़ेगी और सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मोटिवेट करेगी। बैठक में एक और महत्वपूर्ण कारण बिहार को विशेष दर्जा देना का था। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर जोर दिया, क्योंकि इससे राज्य को अधिक सहायता मिल सकती है। ये मांग पिछले कुछ सालों से उठाई जा रही है और इसे लेकर राज्य सरकार ने कई बार केंद्र सरकार से बात भी की है। बैठक में जेडीयू पर भी बात होगी। पार्टी ने अपने सदस्यों को अच्छी तरह काम करने को कहा, ताकि वे अपने क्षेत्रों में जनता से जुड़ सके, उनकी प्रॉब्लम को समझ सके। इससे पार्टी की स्थिति मजबूत होगी और चुनावों में अच्छी तरह प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।